नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का मन भर स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अच्छा, जब से लुगुर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, विपक्ष उस पर हावी हो रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, नुपुर को सिर्फ मुंह से नहीं शरीर से भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन इस ट्वीट का क्या अर्थ है? शरीर से माफी कभी आपने सुना है? शरीर से माफी क्या इसीलिए उनके लिए जो भद्दी टिप्पणियां करवाई जा रही हैं, उन्हें देख लेने की धमकी दी जा रही है? लेकिन अब महिला आयोग ने 3 दिन पहले जो अखिलेश ने एक ट्वीट किया था, उस पर एक्शन लेने को कहा है सरकार को। और देखिए, एक तरफ महिला आयोग सामने आया है और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पे निशाना साध करके नुपुर को कहा है कि उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। अब उनका ये भी सवाल है कि अभी तक अपनी प्रवक्ता के खिलाफ बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्या इसके लिए लगता नहीं है कि बीजेपी ही उसका बचाव कर रही है? किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लोग नुपुर पे हावी हो रहे हैं? पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई थी और कहा था कि वो देश के सामने आकर के माफी मांगे। और कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद से ही विपक्ष हावी हो रहा है नुपुर शर्मा पे। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है, सिर्फ मुंह से नहीं शरीर से भी माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अखिलेश के इस कमेंट को संज्ञान में लिया है और अगले 3 दिनों में अखिलेश यादव के इस बयान पर एक्शन लेने की डिमांड रखती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नुपुर शर्मा पर किए गए ट्वीट को लेकर के काफी नाराज है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा है, कहा है कि उनके खिलाफ कानून से संबंधित प्रावधानों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाए। NCW ने इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग भी की है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पैगंबर पर टिप्पणी के मामले को लेकर के बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमकर फटकार लगाई थी और कोर्ट ने नुपुर को कानूनी विकल्प अपनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी जुबान पे काबू नहीं है, जिसकी वजह से देश में ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। आपने देर से माफी मांगी है और वो भी शर्त के साथ। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वो अपना बयान वापस लेती है। ये उन्होंने नुपुर के बयान को अंडरलाइन किया। अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस ने उन्हें न्यायिक संरक्षण देने के स्थान पे क्या कहा, ये मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि आप सत्ताधारी पार्टी की होने की वजह से सत्ता की ताकत आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। आप वकील होते हुए भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं। उदयपुर सहित देश भर में जो घटनाएं हुई हैं वो आपकी वजह से है। आपको इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये महिला अकेले पूरे देश में के माहौल को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। नुपुर का बयान देश में जो भी स्थितियां बन रही है उसके लिए दोषी है। ये लोग धार्मिक नहीं है, ये अन्य धर्म के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सब बयान व टिप्पणियां सस्ता प्रचार पाने के लिए की गई है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली अखिलेश ने अपने बयान में क्या कहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद की गई टिप्पणी को लेकर के ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट की टिप्पणी पर लिखा था कि सिर्फ मुंह को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहा। और शरीर से माफी मांगने का उनका क्या भाव है, इसको लेकर के महिला आयोग ने काफी
कड़ा रुख अपनाया है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, बहुत सीरियसली इसको माना है और देश में अशांति और साहब बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। ये भी अखिलेश ने कहा है। अखिलेश यादव के स्ट्रीट को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों देखिए, देश में कब से क्या क्या हो रहा है उसके लिए अब नुपुर को दोषी माना जा रहा है। नुपुर के लिए ये कहा जा रहा है कि सारे देश में जो आग लगाई है वो नुपुर ने लगाई हुई है, जो हत्याएं हो रही है वो नुपुर के बयान के कारण हो रही है, बजाय जो इन साजिशों में लगे हुए हैं, जो हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, बजाय उनकी बात करने के ये कहा जा रहा है कि सारी फसाद की जड़ नुपुर है। खैर, और आज एक हद ये हो गई कि जहां एक तरफ महिला आयोग नुपुर के लिए बात करती है, वहीं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसके पीछे पड़ गई है। तो दोस्तों, आप ये जो मैंने आपको जानकारी दी है किस तरीके से लेते हैं आप, इस कंटेंट के बारे में आपकी क्या कमेंट है, क्या आप कहते हैं? मुझे उम्मीद रहेगी आपके नोट की, आपके कमेंट की मेरे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही, मैं फिर आपके साथ हाजिर होती हूँ किसी और नए कंटेंट के साथ, किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।